स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज के वीडियो में एक नई रोम लेके आया हूँ पोको के M2 Pro में। और गाइस ये चारों डिवाइस में एप्लीकेबल है, तो आप चारों ही डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं जो MI टॉल के अंदर आते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो एंड्रॉयड वर्जन देखने को मिलता है वो एंड्रॉयड वर्जन 10 का सपोर्ट देखने को मिलता है। और गाइस जो ये रोम का नाम है वो Zen XOS देखने को मिलता है, तो इसका भी आपको वर्जन देखने को मिलता है 1.10। तो 10 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और गाइस इसमें अगर बिल्ड डेट की बात करूँ तो 26 दिसंबर का बिल्ड है, लेकिन आपको इसमें सिक्योरिटी पैच ओल्ड देखने को मिलेगा 5 अक्टूबर का। तो गाइस इसमें आपको जो कर्नल देखने को मिलेगा 4.14.117 यूकी रिटर्न कर्नल देखने को मिलेगा, जो कि एक कस्टम कर्नल है, आपको बाहर से इंस्टॉल करना पड़ता है, लेकिन आपको ये रोम के साथ प्री इंस्टॉल देखने को मिलता है। तो गाइस देखेंगे हमें क्या कुछ फीचर्स है रोम प्रोवाइड करता है और क्या कुछ हमें परफॉर्मेंस रोम में देखने को मिलता है। सिस्टम की बात करूँ तो यहाँ पे आपको गेस्चर का ऑप्शन मिसिंग देखने को मिलता है, गेस्चर का ऑप्शन आपको ऊपर देखने को मिल जाता है क्योंकि इसका कस्टमाइजेशन का टैब है उसके अंदर। सिक्योरिटी की बात करूँ तो आपको फिंगरप्रिंट का सपोर्ट देखने को मिलता है और ऐप लॉकर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ऐप लॉकर में आपको आप यहाँ पे देख सकते हो आपको सभी चीज़ें वर्किंग देखने को मिलेंगी, क्रैश नहीं होता है, काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। फिंगरप्रिंट आपको टेस्ट करके मैं दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं डिवाइस ऑफ है, मैं फिंगर रखता हूँ सेंसर पे और ये अनलॉक हो जाए। फेस अनलॉक का फीचर आपको देखने को नहीं मिलता इस रोम। अब गाइस यहाँ पे बढ़ते कैमरे की तरफ में, तो कैमरा आपको ANX कैमरा आपको प्री इंस्टॉल्ड इस रोम के साथ देखने को मिलता है। और मैंने सभी मोड चेक किया, सभी मोड काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। और गाइस सभी मोड में आपको फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा काफ़ी अच्छे से वर्किंग देखने को मिल जाएगा, उसके रिगार्डिंग में आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं। तो यहाँ पे मोर में आपको कुछ ऑप्शन एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट स्कैनर, 48 मेगापिक्सल टाइम लैप्स, स्लो मोशन, ये सभी चीज़ें काफ़ी अच्छे से वर्क करती थी। यहाँ पे आप देख सकते हो स्लो मोशन मोड ऑन हो गया है, और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट मोड ऑन करते हो तो ये भी ऑन हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें काफ़ी अच्छे से वर्क करती है, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं। गाइस ये जो बिल्ड है आपको वैनिला बिल्ड देखने को मिलता है, इसमें आपको GApps का सपोर्ट प्री इंस्टॉल देखने को नहीं मिलता है। पहला ऑप्शन आपको स्टेटस बार का देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल कर देता आप देख लीजिए। और गाइस दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन, इसमें भी आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप ये क्रैश हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे बैक बटन दबाते हैं तो पूरा बैक हो जाता है, ये स्क्रीन पे ये बैक नहीं करता है। नेविगेशन में भी आप देख सकते हो गेस्चर का ऑप्शन देखने को मिलता है। सिस्टम नेविगेशन में आपको तीनों ही गेस्चर देखने को मिल जाएगा, गेस्चर नेविगेशन, 2 बटन नेविगेशन और 3 बटन नेविगेशन। गेस्चर नेविगेशन में आपको सेटिंग का टैब देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको आप देख सकते हो बार वगैरह हाइड करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, लेकिन इसे थिक और आप इसे एक्सटेंड कर सकते। गाइस यहाँ पे 3 फिंगर गेस्चर में आपको 3 फिंगर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक स्क्रीनशॉट लेके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लेता है, तो ये भी काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। और भी गाइस आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो यूज़र इंटरफेरेंस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको थीम्स के रिगार्डिंग ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। गाइस मिस्टीलियस में भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको गेमिंग मोड का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे गाइस लास्ट ऑप्शन आपको अबाउट सेक्शन का देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको रोम के बारे में बाकी के डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। डिवाइस पार्ट में आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा साउंड एनहांसर का, एनेबल टच बूस्ट, और गाइस यहाँ पे और भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस अब यहाँ पे देख सकते हो आप लॉन्च चेयर में आपको क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला ऑप्शन थीम का देखने को मिलता है, सेकंड ऑप्शन आपको डेस्कटॉप का देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आइकन वगैरह आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। एट अ ग्लैंस में ऑप्शन देखने को मिलता है, शॉर्ट डेट टाइम वगैरह का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से ये काम करते हैं। ड्रॉअर ऑप्शन में भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हो। और गाइस इसके बाद आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा सर्च में, सर्च ऑप्शन में आपको सर्च इंजन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और काफ़ी और भी सेटिंग देखने को मिल जाती है। तो गाइस कुछ इस तरह का ये रोम का ओवरव्यू आपको देखने को मिल जाता है। और गाइस अब बढ़ते हैं इसके बाकी के चीज़ों की तरफ में, तो DRM इन्फो आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो Wide 1 L3 का सपोर्ट देखने को मिलता है। सेफ्टी नेट फीचर की बात करूँ तो ये आपको लाइव टेस्ट करके दिखा देता हूँ, ये भी पास देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी एक अच्छी बात है। और गाइस यहाँ पे बेंचमार्क टेस्ट भी मैं कर रखा हूँ, जो स्कोर है वो 2,82,000 का देखने को मिलता है, जो कि सभी रोम से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। और रोम को यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता है, कोई बग वगैरह भी अभी तक नोटिस नहीं हुआ है अभी तक मुझे। तो गाइस अब बढ़ते पबजी टेस्ट के तरफ में, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मैं पबजी गेम लोड हो चुका है, तो हम जाएंगे इसके सेटिंग के तरफ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्राफिक्स में आपको डिफॉल्ट HD विथ हाई फ्रेम रेट देखने को मिलता है, HDR ऑप्शन आपको अवेलेबल देखने को नहीं मिलता है, बैलेंस में अल्ट्रा सेटिंग तक का सपोर्ट देखने को मिलता है, और स्मूथ में भी सेम सेटिंग देखने को मिलता है। हम स्मूथ में अल्ट्रा सेटिंग में गेम प्ले करेंगे, अगर हमें कुछ प्रॉब्लम फेस होता है अगर ये सेटिंग में, तो हम HD विथ हाई फ्रेम रेट्स पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो गाइस हम एक छोटा सा TDM मैच ओपन करते हैं। Red team.
तो गाइस यहाँ पे आपने देखा काफ़ी अच्छा गेम प्ले हुआ, हमें कोई भी फ्रेम ड्रॉप वगैरह नोटिस नहीं हुआ और कोई भी लैग वगैरह भी देखने को नहीं मिला। तो गाइस